What about your team? Rehan is playing in next to what about your team? My team is disbanded. Main team में मैं खेल रहा हूँ तो तुम मुझे देखने आ रहे हो, 500,000 वॉचिंग दे रहे हो। मैं वो टीम छोड़ दूँ तो तुम मुझे भाई 100 वॉचिंग पे ले आ दो। मैं इसका ही कोड डिसबैंड हो गई, अपनों को भी मौका हो गए, जगह ही नहीं है गाइस, हम फुल है हमारी टीम। कुछ बुरा भला बोला है, चाहे शिवम को बोला हो चाहे किसी भी क्रिएटर को बोला हो, मैं खुद माफी मांगता हूँ। तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। तो जो भी चैनल पे नए हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले न्यूज की तरफ। तो भाई नॉनस्टॉप गेमिंग के बारे में होने वाली है। तो होता है कि नॉनस्टॉप गेमिंग कल अपने चैनल पे लाइव कर रहे होते हैं तो उनकी चैट में बहुत से बंदे कह रहे होते हैं कि आप मोबाइल प्लेयर्स के लिए एनजी की एक न्यू बिल्ड क्यों नहीं बना रहे। तो इस पर उनका क्या रिएक्शन होता है, चलिए आपको क्लिप दिखाते हैं। नोशो भाई, एनजी 2 का गिल्ड दिखा सकते हो, कौन कौन है ब्रदर? एनजी का आप लोगों को बता दूं, सिर्फ एक ही गिल्ड है अभी के टाइम में। पहले एक मोबाइल गिल्ड था, बट अभी एक ही गिल्ड है। जितनी हमारी NG1, NG2, NG3 टीम है वो सब एक ही गिल्ड में है। NG गर्ल्स की टीम भी और NG मोबाइल से भी जो प्लेयर्स हैं, एंग्री, लिट M10, जीरोक्स, आयुष, सारे आप लोगों को वो उसी गिल्ड में है गाइस, एक ही गिल्ड में। एक ही गिल्ड है वी बैज वाली। और आधी बार बहुत जगह स्कैम भी होता है, इंस्टा पे आप टैग करते रहते हो तो भाई अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो तो इतना सबको पता है, फिर भी कैसे तुम इस स्कैमर्स के झांसे में आ जाते हो। वैसे तो अमाउंट बहुत ही कम है, कुछ ही कोई ही बंदा जो समझ लेता है कि हाँ भाई। तो भाई वी बैज वाली गिल्ड तुम्हें मिलेगी तो बस। और सेकंड थिंग, पैसे दे के गिल्ड में कोई नहीं आता है, कोई भी तुमसे पैसे मांगे तो भाई बस समझ जाना। ब्रो मेगा गिल्ड फॉर मोबाइल प्लेयर्स, यार देखो मैंने गिल्ड बनाई थी अलग मोबाइल प्लेयर्स के लिए, बट लिटरली भाई मैंने जो थोड़ा भी अच्छा खेल रहे थे ना बंदे, मोस्टली सबको ले लिया था, 35 से 37 प्लेयर्स थे। बट कोई स्कैम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और संभालने के लिए भाई मेरा आईडी तो इधर था, उधर मैं बहुत बहुत दिन में जा पाता था, बहुत सारी चीजें चल रही थी ये स्कैम वगैरह, तो फिर मैंने वो बंद ही कर दी। क्योंकि उसमें पता क्या स्कैम कैसे हो रहे थे, उसमें मैंने लेवल 1 का अकाउंट वो बना के रखा था लीडर। अब लेवल 1 का अकाउंट जैसा नेम था ऐसे ही बंदों ने बहुत ऐसी गिल्ड में कॉपी कर दिया और स्कैम कर रहे थे, और इवन जो खुद प्लेयर्स थे वो खुद स्कैम कर रहे थे। लो भाई तो बाकी पे डॉस्टॉप गेमिंग का रिएक्शन तो देख ही लिया होगा। तो चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। तेल मैंने मैक्स और क्लासिक के बारे में लिया। तो आपको बताएगा, आज से 2-3 महीने पहले मैक्सर एक न्यू स्क्वाड बनाई थी स्टेली सफी टोचन गैंग करके, जो कि आज के टाइम पे डिसबैंड कर दी गई है। और डिसबैंड करने का क्या रीजन है, इस पर मैक्सर रिएक्ट करते क्या कहते हैं, चलिए आपको क्लिप दिखाते हैं। What about your team? Rehan is playing in next to what about your team? My team is disbanded, bro. मैं बता देता हूँ कि disband क्यों कर रहा हूँ मैं। तो main reason है भाई disband करने का कि भाई आयुष भी game छोड़ रहा है, Rapstar का कुछ पता नहीं है, वो time से भाई कभी तो मुझे मिलता ही नहीं है। Match tournament का होगा तो भाई उसके साथ ये भी इशू रहता है कि भाई क्या पता उसकी लाइट चली जाए, क्या हो जाए क्या हो जाए, उसकी लाइट भी ऐसे बहुत जाती रहती है, ये सारी चीज़ें हैं। अवेलेबिलिटी के टाइम भाई वो कभी अगर प्रैक्टिस के लिए 12 बजे बुलाओ तो भाई आएंगे 1 बजे, और भाई आधे घंटे 1 घंटे रुक जाओ यही चलता रहता है। एक वो भी रीज़न है कि भाई मेरा दिमाग वहीं से ख़राब हो चुका था भाई कि ये सब क्या ही है। और दूसरा रीज़न कि भाई मेरा चैनल है, तुम देख रहे हो 699 के पे कब से अटका हुआ है, 1-2 हफ्ते हो गए वो वहीं पे अटका हुआ है, सब्सक्राइबर माइनस हुए जा रहे हैं। तो भाई ना चैनल से भाई ऐसी अर्निंग आ रही है कि मैं भाई इसको खेलते रहूं, मैं कुछ भी करूं चैनल पे, कुछ करूं ना करूं बस मुझे पैसे आ रहे हैं। मैं भाई 8-9 घंटे अगर कहीं खेल रहा हूं, कुछ कर रहा हूं, तो भाई मुझे पैसे चाहिए ना अगर मैं कंटिन्यू आगे करना चाहता हूं। तो भाई उसकी दिक्कत है। तो मैं भाई सोच रहा हूँ कि अभी कंटेंट बनाने का ट्राई करूँगा, कंटेंट में अच्छा होता है तो ठीक। अभी कुछ टाइम में कॉम्पी से रेस्ट ले रहा हूँ, जब तक मैं कंटेंट पे ध्यान दूंगा जब तक उधर ट्राई करने वाला हूँ। तो हाँ भाई, तुम सबको ही पता होगा भाई कि अगर अर्निंग नहीं रहेगी तो भाई तुम कैसे ही कोई चीज़ करोगे। मैं सारा दिन बैठ के ऐसे खेल थोड़ी सकता हूँ, अगर मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ और सारा दिन बस बैठ के गेम खेल रहा हूँ तो वो भाई कोई मतलब नहीं है, ना कोई इंसान कर सकता वो चीज़। अगर आप होगे भाई उतने मैच्योर होगे ये चीज़ें समझने के लिए तो भाई ठीक है समझोगे, वरना भाई दिन रात आके यही रोगे कि भाई डिसबैन क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया, वापस बनाओ। तुम्हारे बोलने से मैं बनाने नहीं वाला, ना तुम्हारे बोलने से मैंने खुद की टीम बनाई थी, ना तुम्हारे बोलने से भाई मैं दोबारा से वापस बनाऊंगा। जो डिसीजन है मेरा है, टीम को देखते हुए है, अपनी हालत देखते हुए है, चैनल देखते हुए है। तो हाँ भाई आओ मेन स्क्वाड में, आप मेन स्क्वाड में आओ तब देखो वॉचिंग। तो ब्रो उस वॉचिंग का फ़ायदा क्या है कि तुम मुझे देखने के बजाय कुछ और देखने आ रहे हो।
मैं वो करने नहीं आया हूँ भाई कि तुम आज मेन टीम में मैं खेल रहा हूँ तो तुम मुझे देखने आ रहे हो, 500 हज़ार वॉचिंग दे रहे हो। मैं वो टीम छोड़ दूँ तो तुम मुझे भाई 100 वॉचिंग पे ले आ दो। तो ब्रो उससे क्या फ़ायदा, मैं आगे चल के कुछ और करूँगा, तुम देखोगे ही नहीं। तो भाई ऑडियंस वो चाहिए जो भाई चीज़ें करे ना, जो मैं कर रहा हूँ वो तुम देखने आओ, जो मैं किन के साथ खेल रहा हूँ मैं भाई ये चीज़ें तुम अगर सिर्फ उनके वजह से देखने आ रहे हो तो फिर उसमें मेरा कोई फ़ायदा ही नहीं है, मेरा कोई भाई मतलब ही नहीं हुआ फिर तो करने का। मैं यहाँ सारा दिन फिर मैं खेल रहा हूँ, दूसरे की ऑडियंस आ रही है देख के चली जा रही है, तो भाई ऐसे क्या फ़ायदा फिर मैं आगे चल के। जैसे अभी मैं अपनी खुद की टीम बनाया भाई, बंदे ने देखना ही बंद कर दिया, 150-200 वॉचिंग मुश्किल से आती है। यही मैं जब मेन स्क्वाड में था तो भाई 500 हज़ार कॉन्स्टेंट चलती थी, तो भाई वो क्लासी भाई की ऑडियंस थी वो लेके भाई क्या ही फ़ायदा। वो भाई ऑडियंस अगर मेरे पे आ भी जाएगी तो भाई वो देखने ही नहीं आते। उनमें से कुछ बंदे तुम हो जो रेगुलर भाई आते हो देखने, जिनको भाई अगर मैं पसंद हूँ तो तुम आते हो। और भाई जिसको भी लग रहा है मैं एनएक्सटी में नहीं हूँ, भाई मैं एनएक्सटी में ही हूँ, एनएक्सटी में ही था, ऐसा नहीं है भाई कि मैं छोड़ दिया था मैं वापस आ गया अब, तो भाई मैं स्टिल एनएक्सटी में हूँ। और भाई जब से टीम छोड़ी है तब से भी हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई कि अब मैं अपनी टीम छोड़ दिया तो अब भाई मैं अब मैं NXT छोड़ दिया तो उस टाइम पे अपनी टीम, अब NXT छोड़ दिया था तो टीम बना लिया, फिर टीम छोड़ा था NXT में आ गया, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ब्रो क्लासी भाई ने बोला चांस देंगे आपको, चांस की वजह से भाई मैंने कुछ नहीं करा भाई, कि चांस की वजह से मैंने टीम छोड़ी और ऐसा वैसा कुछ नहीं था सीन, मैंने टीम खुद ही से छोड़ी थी क्योंकि उस टाइम पे चीज़ें थी, मैंने बता रखा है पहले भी लाइव में बता रखा है कि उस टाइम पे कुछ और दिमाग में था भाई करने का, लेकिन वो चीज़ें हुई नहीं। तो भाई फिर मैं ना इधर का रह गया ना उधर का रह गया, तो वही चीज़ है। तो बाकी अपने मैक्स अगर रिएक्शन तो देख ही लोगा तो होता है क्लासिक, कुछ दिन पहले अपने चैनल पे लाइव कर रहे होते हैं तो इनकी चैट में बहुत से बंदे स्पैम करके कह रहे होते हैं कि मैक्स की स्क्वाड डिसबैंड हो चुकी है, मैक्स को फिर से NXT1 की स्क्वाड में ले लो, तो इस पर क्लासिक रिएक्ट करते हुए कहते हैं चलिए आपको क्लिप दिखाते हैं। कैसे आपने बाहर वालों को मौका दिया, मैक्स की स्क्वाड डिसबैंड हो गई, अपनों को भी मौका दोगे लाइक मैक्स का? तो बाहर वालों को मौका जब दिया था जब हमारी टीम में जगह थी, जगह ही नहीं है एकदम फुल है हमारी टीम। मैक्सा की टीम डिसबैंड क्यों हो गई भाई? तो ए बच्चे मेरी है। अभी तो बनी थी वो डिसबैंड भी हो गई, अभी तो नाम भी नहीं हुआ था कुछ एकदम। क्या कह रहे हैं उनकी प्लेयर्स की टाइम मैनेज नहीं हो रहा, टाइम मैनेजमेंट नहीं तो ब्रो एक दो प्लेयर का नहीं होगा ना, बाकी तो होगा ना, बाकी तो नए प्लेयर ढूंढो फिर भाई। मतलब टीम डिसबैंड करना इतनी जल्दी तो कोई डिसीजन नहीं है हार मानना। तो बाकी हमने क्लासिक का रिएक्शन तो देख ही लिया होगा, तो बाकी अब आपको क्या लगता है कि क्लासिक को फिर से NXT1 की स्क्वाड में मैक्स को लेना चाहिए या फिर नहीं, आप लोगों को जो भी लगता है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। से मैं रॉकी नाइडिस के बारे में लिया तो आपको अक्सर बहुत से बंदे नॉनस्टॉप गेमिंग की चैट में स्पैम करते रहते हैं कि आपसे अच्छा कास्टर रॉकी नाइडिस है, और बहुत से बंदे रॉकी नाइडिस की चैट में स्पैम करते रहते हैं कि आपसे अच्छे कास्टर नॉनस्टॉप गेमिंग है, तो इस पर रॉकी नाइडिस का क्या रिएक्शन होता है और रॉकी नाइडिस एनजी प्लेस की जो हैकर से रिलेटेड कॉन्ट्रोवर्सी चली उस पर भी रिएक्ट करते हैं। चलिए आपको क्लिप दिखाते हैं। रॉकी भाई आप अपने ऑडियंस को संभालो, कल वो लोग नॉनस्टॉप भाई के स्ट्रीम में आपका नाम लेके हेट दे रहे थे। मेरा नाम लेके क्या हेट दे रहे थे? मैंने तो शिवम को आज तक बुरी बात बोली ही नहीं है भाई, मैं तो बोला शिवम भाई है मेरा भाई, मैंने कभी बुरा बोला ही नहीं। क्या क्या हेट दे रहे थे भाई बताओ तो। मैं खुद माफी मांगता हूँ अगर मेरे किसी प्रशंसक ने आवेश में आके कुछ बुरा भला बोला है, चाहे शिवम को बोला हो चाहे किसी भी क्रिएटर को बोला हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन क्या बोला है ये तो बताओ। तो देखो मैं तो इतना एक्टिव नहीं रहता हूँ, अपना लाइव खत्म करने के बाद मैं चला जाता हूँ, फिर भी अगर किसी को लगता है कि मेरे को संभाल के रखना चाहिए और मैं नहीं रख सका हूँ, बुरा लगा है किसी को, तो मैं लाइव स्ट्रीम पे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। बाकी मेरा ऐसा कुछ पता ही नहीं है, जरा सी भी अगर किसी को दिक्कत है। हेट मत दो यार, हेट क्यों दे रहे हो किसी को यार, सब लोग प्यारे हैं। शिवम तो बहुत हेल्पफुल बंदा है, वो कहीं पे भी आप किसी से भी पूछ लो कम्युनिटी में, किसी को भी अगर आधी रात को भी हेल्प की जरूरत है वो बंदा खड़ा रहता है। मैंने तो कभी शिवम के बारे में आज तक एक सिंगल नेगेटिव कमेंट नहीं किया क्योंकि वो बंदा नेगेटिव है ही नहीं। हाँ मुझे पता है आजकल कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है वो क्या हैकर फैकर और ये सब लेके, बट मैं पहले ही बोल चुका हूँ उस मैटर में मैं क्या टिप्पणी करूँ जबकि मेरे को पीसी का नॉलेज ही नहीं। ऐसा नहीं है मैं इस चीज को अवॉइड कर रहा हूँ, बट मेरे को नॉलेज ही नहीं है। तो पहले मैं नॉलेज लेगा तब जाके मैं बोल पाऊंगा शिवम तू गलत है कि सही है, जिस बारे में मेरे को पता ही नहीं है मैं क्या बहस करूं। मुझे पता है उस चीज को भी लेके कई क्रिएटर बोले रॉकी भाईचारा निभा रहा है,
देखो भाईचारा तो हम लोग निभाते हैं, लेकिन इस मैटर में ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर कुछ गलत होता तो मैं नहीं लेता। वो लोग बोल रहा था रॉकी भाई को तुमसे अच्छा कास्ट करता है। भाई साहब देखिए, पहली बात कास्टिंग में मुझे नहीं लगता शिवम कभी बोलता होगा कि वो बहुत अच्छा कास्टर है, ठीक है, वो शायद शिवम ने कभी बोला भी नहीं होगा। दूसरी चीज क्या लिखा है, तुम हैकर्स को प्रमोट करते हो, रॉकी भाई स्पोर्ट्स को प्रमोट करने से। देखो देखो मेरी जान, जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं, पहली बात तो मुझे नहीं लगता है कि वो लोग अगर मेरे साइड से बोल रहे हैं तो मैं पहली बात बोल रहा हूँ, मेरे यहाँ पे भी गलती से एक बार हैकर आ गया था, गिल्ट टेस्ट भी पास कर लिया था, तो मैंने लाइव पे आके अपोलॉजी मांग ली थी, ठीक है। तो ऐसा सीन है ब्रो कि फोन में ना जल्दी पकड़ा जाता है प्लेयर, और पीसी में डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो हो सकता है आप थोड़ा टाइम दीजिए, शिवम को भी थोड़ा टाइम दो यार, उसके भी जो बंदे गलत निकलेंगे वो भी हटा देगा यार, ऐसा नहीं है। आप तो किसी को एक दो पल में जज मत करो सर। और रही बात ई-स्पोर्ट्स की भाई, तो क्या शिवम की ई-स्पोर्ट्स टीम नहीं है? मैं बस एक, मैं शिवम का साइड नहीं ले रहा, हर वो कंटेंट क्रिएटर जिसका ई-स्पोर्ट्स में टीम है, ठीक है, चाहे आप बोलते हो कि रॉकी भाई ई-स्पोर्ट्स प्रमोट करते हैं शिवम नहीं करता है, ऐसा नहीं है ब्रो। एक्चुअली शिवम इस कम्युनिटी में वो पहला कंटेंट क्रिएटर है, यहाँ पे मैं उसकी साइड लेके बोलूंगा, इस कम्युनिटी में वो पहला कंटेंट क्रिएटर है जो चाहता है अपने कंटेंट से कि मोबाइल के साथ साथ पीसी प्लेयर्स में भी ई-स्पोर्ट्स का चलन शुरू हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे भारतवर्ष में वो चीज नहीं है, लेकिन ब्राजील में और बाकी कंट्रीज की कम्युनिटीज में पीसी प्लेयर्स का ई-स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होता है। तो कोई ये कहे कि अच्छा चलो मोबाइल में भी अगर मैं आ जाऊं, क्या एनजी की मोबाइल की लाइनअप नहीं है ई-स्पोर्ट्स के? बिल्कुल है, ये मत कहिए। हाँ रही बात वो हैकर वाली कॉन्स्पिरेसी, उसमें मेरा टीका टिप्पणी करना बनता नहीं, मेरे को नॉलेज नहीं है। हाँ उस मैटर में मैं सिर्फ यही कहूंगा, शिवम बहुत मेहनत करी है तूने भाई, तेरा मैटर है, तू इससे पहले भी भाई बहुत बार ये सारे एलिगेशन लगे हैं उसको तुम बिल्कुल पछाड़ के आगे बढ़े हो, ये भी मैटर तुम्हारी लड़ाई है, इसमें कोई साथ नहीं दे सकता तुम्हारा, ये लड़ाई तुम्हें खुद जीतना, तुम जीतोगे। बाकी पे रॉकी नाइडस का रिएक्शन तो देख ही लोगे, तो बाकी आपको क्या लगता है आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।